कैसे हो मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ भाई बहुत बढ़िया होंगे। और अगर आप लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे कि यार हमारा फैट कम हो जाए फैट कम हो जाए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दो फोटोज़ दिखा दूँ। ये है मेरी फर्स्ट फ़ोटो और ये है मेरी सेकंड फ़ोटो। इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में मैं आपको किसी और वीडियोज़ में बताऊँगा, बट आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि ऐसी कौन सी कम से कम 4 या 5 मिस्टेक्स हैं जो हम लोग अक्सर कर बैठते हैं जब हम लोग फैट लॉस की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। जब हमें फैट लॉस करना होता है, हमें लीन होना होता है, हमें वेट लॉस करना पड़ता है, बट हम लोग और भी बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो गाइस हमारा सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज़ डाइट। देखें, अब फैट लॉस करने के लिए बहुत टाइप की डाइट्स आती हैं, बहुत सारी, फास्टिंग, कीटो, कैलोरी डेफिसिट, बट अ लॉट, बट वट एवर डाइट यू आर डूइंग, मैं आपको सच बताऊंगा कि मेरी नज़र में आप जो भी डाइट करें उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है कि मेरे दोस्त सबसे पहला बाहर का खाना बंद करें। सेकेंड, जब आप उस चीज़ पे अच्छे से अमल कर लें, सेकेंड आप घर का खाना खाइए, फिर घर के खाने में चीज़ें हटाइए, आप एक डिसिप्लिन ईटर बनिए। आप डिसिप्लिन तरीके से अच्छी चीज़ें खाएं, आप सोच समझ के खाएं कि इसका इफ़ेक्ट ये आएगा मेरी बॉडी में। और जब आप सही तरीके का खाना खाते हैं ना, आपका शरीर, हर एक का शरीर बता देता है कि शरीर में क्या जा रहा है। ठीक है, भले ही आपने दारू पी के इतना बड़ा पेट निकाला हो या आपने बिरयानी खा के इतना बड़ा पेट निकाला। सेकेंड पॉइंट विच इज़ कंसिस्टेंसी। देखिए, अक्सर होता है कि लोग 3 दिन डाइट करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई नहीं हो रहा, और अगले दिन जाके बिरयानी खा लेते हैं। अब मैं बार बार बिरयानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिरयानी मेरी खुद की सबसे बड़ी वीकनेस है। तो हम लोग वो चीज़ कर लेते हैं। मैं आपको एक जेन्युइनली एक चीज़ बताऊँगा, कोई भी डाइट का लेजिट इफेक्ट आने में, मेरे एक्सपीरियंस में, देखिए साइंस का बोलते हैं मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट मैं ये बोलूँगा मेरे एक्सपीरियंस में कोई भी डाइट जब आप करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी बॉडी को वो चेंजेस समझने में कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं, सच में कम से कम। उसके बाद हमारी बॉडी को पता चलता है अच्छा तो ये वज़न घटा रहा है, तब बॉडी वेट कम करना शुरू करती है। ठीक है, थर्ड नंबर वन मिस्टेक इज़ कि यू आर नॉट ट्रेनिंग प्रॉपरली। आप अपनी आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं जिम में। ठीक है, आप हाई रेपिटेशन आप उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ जाके आप कार्डियो मार के समझते हैं कि भाई हमारा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हैवी वेट लिफ्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेट लिफ्टिंग करेंगे, आप सोचिए एक बोनस हो जाता है आपका, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपका फैट भी ड्रॉप होता है और आपका मसल भी गेन होता है। यार और क्या चाहिए भाई, इट्स अ बोनस। ठीक है, और लास्ट एक दो मिस्टेक्स में बता दूँ कि आप ठीक से रेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और आप जंक खा रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर किया। तो गाइज आपको एक कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने अपने एक वीडियो में बोला था अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और आप मेंटली इवॉल्व नहीं होते ना उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो आपने मतलब कुछ खास उखाड़ा नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन और वेट लॉस और एनी ट्रांसफॉर्मेशन, वेट गेन, वेट लॉस, आप जो भी करना चाहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है चेंज इन योर एटीट्यूड। आप जिस तरीके का डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी विल पावर को शूट करते हैं, यू नो, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि भाई आपकी लाइफ में नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो आप सिर्फ ये मत समझिए कि मुझे वेट लॉस करना है, आप इस तरीके से सोचिए कि मैं आई एम इन सर्च ऑफ अ न्यू मी, मतलब मैं अपने एक नए वर्जन को ढूंढ रहा हूँ और अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस ठीक है, आप ये 4-5 चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए अगर आप फैट लॉस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मसल गेन, फैट लॉस, देखिए मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी तो नहीं है बट ये जितना भी है इसको बनाने में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को इस बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दे सकता हूँ। थैंक यू उस वीडियो को वॉच करने के लिए। पहली बार आते तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। आई सी यू इन माय अदर वीडियो। बाय।